अभी है मेरा स्कूल बगल में, हम आपको दिखाते हैं बैक कैमरा से। हेलो फैमिली, सभी को बड़े को नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। इतना धूप धूप देखिए, हम और दीदी निकल गए हैं घूमने के लिए। तो चलिए आज आपको अपना घुमाते हैं मायका का परसोटी बाजार। तो थोड़ा सा कुछ काम है तो दीदी मुझे कुछ खरीद दे रहे हैं बोल रहे कि चलो आज तुमको शॉपिंग करवाएंगे, तो उसी के लिए हम जा रहे हैं परसोटी मार्केट। हाँ, धूप बहुत ही ज्यादा कड़ा है तो हम छाता ले लिए, स्टॉल ले लिए, ऑटो यहाँ से मिल जाता है। तो चलते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ हम जाएंगे, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर होगा ब्लॉग में। हम लोग ऑटो से उतरे हैं और परसोटी मार्केट घुस गए हैं। हम लोग परसोटी पहुँच चुके हैं दोस्तों, आइए आप भी बाजार करने। बहुत कड़ा धूप है। यहाँ देखिए एक कपड़े वाली दुकान में है। हम सबसे पहले यहाँ से मुझे कॉटन का सूट पीस लेना है, तो देखते हैं पसंद आएगा तो लेंगे। सारा शॉपिंग हो गया है और वहाँ से कपड़े वगैरह हम ले लिए, तो घर जाकर आपको दिखाएंगे क्या कर लिए। और ये है कॉटन की दुकान, यहाँ पर सारा चीज़ मिलता है। तो दीदी एक मुल्तानी मट्टी ले रहे हैं यहाँ पे, बहुत धूप में पूरा दुकान दुकान घूम रहे हैं। दीदी जी को पूरा शॉपिंग करवा रहे हैं, अभी दूसरे दुकान में फिर आए हैं और एक चीज़ लेना है। चलिए हम अभी मार्केट से निकल जा रहे हैं ऑटो पास। किसको मेरे को बोल रही थी, हम वही बोल रहे थे क्या रहे क्या कर रहे थे, नहीं पहचानी वो पहचान। पूरा मार्केट हो गया, अभी निकल रहे हैं ऑटो के लिए। भूख लग गया बहुत जोर से, 2 बज गया है। भाई दीदी को पूरा हम पैसा खर्चा कराए हैं, बहुत सारा हमको सामान नहीं खरीदती क्योंकि मौका नहीं मिलता है ना, इसीलिए। ताज़ा ताज़ा खजूर है, पैदल चल चल के ऑटो नहीं मिला। और यहीं पर भी है मेरा स्कूल बगल में, हम आपको दिखाते हैं बैक कैमरा से। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा पहला स्कूल जहां मैं एक क्लास से पढ़ी, मतलब बचपन से यहीं, जब मेरा 4 के 5 साल हुआ था उस टाइम से। तो ये है मध्य विद्यालय जानी घोड़ा और 8 क्लास तक है यहाँ पे, और दोनों साइड रोड पड़ता है। तो ये है मेरा पहला स्कूल जिससे बहुत सारी यादें जुड़ी है। देखिए वो रहा मेरा स्कूल, और दीदी भाग गई आगे आगे, मैं जा रही हूँ। ऑटो नहीं मिला है क्योंकि परसोटी में जहाँ ऑटो मिला बहुत देरी वहाँ बैठना पड़ा बहुत देर, तो जब तक ऑटो भरेगा नहीं और लेके जाएंगे नहीं। तो शंकरपुर में हमें थोड़ा सा काम था ज्वेलरी शॉप में, तो वो काम हो गया। काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, तो वो एक चीज़ मैंने आज ले लिया जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगी। इस वजह से मैं वो चीज़ नहीं पहन रही थी, तो दिखाऊंगी वो चीज़ घर जाके। पानी बोतल देखिए पकड़ी हुई हूँ ऐसे भी अच्छा है, थोड़ा दूर चलना भी चाहिए, ज़्यादा दूर है नहीं परसोटी से, बस पेट्रोल पंप का इधर ही थोड़ा, और उतना दूर है नहीं है। चलिए हम और दीदी जा रहे हैं चलते चलते। मौसम अभी थोड़ा सा बादल किया है, देखिए खाते खाते जा रही है। खजूर खरीदी ना, खजूर बच्चा लोग के लिए, खुदे खाते खाते जा रही है। देखिए बहुत टेस्टी, और पूरा झोला उसको हम पकड़ा दिए हैं शॉपिंग का, आज पूरा पैसा खर्चा की है ये मज़ा आ रहा ना चल चल के, गर्मी का आनंद ले रहे हैं दोनों मिल के, बहुत मज़ा आ रहा। बच्चों को घर में से तो छोड़ दिए क्योंकि ऑटो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है ना, खासकर दोपहर का टाइम तो मुश्किल है। घर पहुँच गए लेकिन अभी तक मतलब घर पहुँच गए लेकिन ऑटो नहीं मिला। और देखिए ये सोया नहीं है, भूख बहुत जोर से लग रही है। पहले हम और दीदी खा लेते हैं, सारे लोग खा लिए हैं, और उसके बाद में फिर आप लोग खाते हैं क्या। अरे
अच्छा भाभी नहीं है ना, बगल वाले भाभी तो मछली भी दिए हैं इतना सारा। इतना सारा है फिश करी। और यहाँ घर में बना है आज आलू का चोखा, कलमी का साग है, इधर हमारा हाथ है। भाभी हम लोग के लिए सूखा कर दिए बाहर, तो खाना निकालते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है और आप लोगों को दिखाते हैं कि आइए यहाँ पे भात खाते हैं। ये देखिए चोखा है, साग है बड़ा है, और ये देखिए मछली, मछली का बड़ा, मछली का अंडा बड़ा है। और उधर खजूर धो रहे हैं भाभी, बच्चे लोग सब खाएंगे। बोले हम खाना खाते हैं उधर देखे। हम है मयंक बाबू, आप लोगों को दिखा। और एक बार मैं आप लोगों को बोलना चाह रही हूँ कि आज जो मैंने स्कूल दिखाया ना, मेरा दिखा ना बाबू, जो मैंने स्कूल दिखाया वहाँ 1 से 8 तक था, तो 8 तक वो बचपन से जो हम पढ़े तो वो स्कूल में था, जानीगुड़ा स्कूल का नाम है अभी भी। तो बचपन वहीं से सारा कुछ, फ्रेंडशिप वगैरह सारा कुछ बना, बहुत सारी यादें जुड़ी है। और एक स्कूल है उसी का जस्ट दूसरे साइड है, दूसरे रोड में जाना पड़ता है, वहाँ से 9 और 10 कंप्लीट किया, मात्र 2 साल वहाँ बिताया। लेकिन सारा जो है 1 से लेके 8 तक उस स्कूल में बहुत सारी यादें जुड़े हैं, सारे फ्रेंड वही स्कूल में मिले हैं। और जितना भी होता है ना, एक शिष्टाचार होता है, डिसिप्लिन होता है, जो भी हो वही स्कूल से हमने सीखा है। तो आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अपना स्कूल भी दिखा दिया है ना, तो वही है मेरा स्कूल। और अभी क्या मैंने लिया है परसोटी मार्केट से आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो मुझे कॉटन सूट पीस चाहिए था। आप लोग जैसे कमेंट करते कि आप इतना गर्मी में सूट क्यों नहीं पहनते हैं, घर में साड़ी पहनते हैं, तो मेरे पास कॉटन वाला नहीं था सूट पीस, तो ये कॉटन सूट पीस मैंने लिया हुआ है। देखिए इसे भी सिलाया हुआ नहीं है, दीदी से ही सिलवाऊंगी। ये इसका दुपट्टा है, प्योर कॉटन है ये। ये देखिए ये वाला सलवार बनेगा। अब इसका सूट को कहाँ ये देखिए, तो आप लोग जरूर बताइएगा कैसा है जो भी है शॉपिंग। और एक ब्लैक कलर का ये कॉटन वाला मैंने सलवार लिया, जो कि सब सूट पीस में होगा। और एक मैंने सूट पीस लिया है, थान से कटवाया है, ये मीटर हिसाब से होता है 130 रुपये मीटर, 2 मीटर सूट के लिए लिया हुआ है। इसके साथ ये ब्लैक मैच हो जाएगा, तो 2 जोड़ा टोटल सूट पीस हो गया। और ये दीदी ब्लाउज पीस लिए हैं, और एक ये वाला टॉप, तो ये हो गया। और इसके बाद देखिए ग्रीन वाला जो साड़ी है ना, तो दीदी बोली ना आंचल में ये झालर लगा दो, लेस बहुत अच्छा लगेगा ब्यूटीफुल सा, तो ये वाला लेस हमने लिया हुआ है, लगा दूंगी ना ये अच्छा लगेगा। और वो वाला कोट की दुकान मैंने दिखाया, देखे रहे बाबू कैसे पीछे से बोल रहा है। और आप लोग काफी कमेंट करते हैं कि स्मिता जी आप बिछिया क्यों नहीं पहनते हैं, पायल को पहनते बिछिया क्यों नहीं पहनते हैं। तो अभी जो मैं ये वाला पहनी हूँ ना, ये ऐसे ही है, रोल गोल वाला है जो 20 रुपए में मिलता है, वो वाला मैं पहनी हूँ। मेरे पास चांदी का नहीं था, शादी में जो मम्मी बना के दिए थे वो कहीं गुम भी हो गया है। और तो आज भी हो गया है, देख रहे बाबू कैसे। तो आज मैं गई थी एक सोना का छोटा सा लॉकेट लेने के लिए, मैं ना उसे लाल धागा में बंधवा के पहनूंगी, क्योंकि ये ना डेली नहीं पहन पाती मैं, काफी गलता है, गला में दाना दाना हो जाता है, तो वो वाला जो है ना गुम हो गया था। और मैं गई थी छोटा सा लॉकेट लेने के लिए, लेकिन काफी महंगा पड़ा, छोटा सा ही था, 4,500 का था, तो उतना मैं पैसा मैं लेके नहीं गई थी, मैं नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2 जोड़ा मैंने ना बिछिया लिया हुआ है चांदी का, तो अभी आपको मेरे पैर पे हमेशा बिछिया दिखेंगे। आप लोग बताना कैसा डिजाइन है। ये देखिए ये 2 जोड़ा डिजाइन है, बाबू पास ला के दिखा बेटा, दिख रहा है। ये देखिए दोनों पैर में पहनूंगी, तो ये पहला है थोड़ा सा बड़ा है, और ये थोड़ा सा छोटा, शंख डिजाइन है, देखिए नाक वाला जो डिजाइन होता है। छोटा सा है लेकिन 350 करके पड़ा, 2 जोड़ा मैंने ले लिया है।
चीजें थी जो आप लोगों को दिखाना था, और मेरा जो ये सिल्वर का है बिछिया कैसे लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा।